अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रणाम पंडित जी। हमारे कमरे में मुर्गा कहाँ से आया? राम नवमी के दिन हमें बांग देकर उठा रहा है, पर है कहाँ वो? मैं यहाँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डोडो है और ये मेरा दोस्त दिव्यम आपसे कुछ बात करना चाहता है। लेकिन हमें आपके दोस्त से कोई बात नहीं करनी है। देखो, मेरा दोस्त दिव्यम का चेहरा उतर गया, प्लीज उससे कुछ बात कर लो ना। आपको इनका उतरा हुआ चेहरा दिख रहा है, लेकिन इन्होंने जो हमारी बहन के साथ किया उसका क्या? सॉरी डोडो, दीदी को सॉरी बोलो। सॉरी। जी, हमें नहीं चाहिए आपका सॉरी, हम आपके सॉरी से नहीं मानने वाले हैं। राधिका, तुम भी तो इतनी गलतियां करती हो ना, मैं मानता हूँ ना तुम जब सॉरी बोलती हो तब। अगर आपने हमें ठेस पहुंचाई होती ना तो हम मान भी जाते, लेकिन आपने हमारी बहन का दिल दुखाया, हम आपको कैसे माफ कर सकते हैं? मेरे साथ साथ मिस्टर डोडो भी फेल हो गए। कोई बात नहीं, अब गलती मैंने की है तो मनाऊंगा भी मैं। सुजाता, भोग तैयार हुआ कि नहीं? आज रामनवमी है, श्री रामचंद्र जी का पाठ है और कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही। कविता, तुझे फूल और फल लाने के लिए कहा था, मंगवाए के नहीं? अरे कहाँ चले गए सब? माँ, भोग तैयार है। ठीक है। मम्मी जी, मैं आ गई। ये देखिए, पूजा के लिए फूल भी लेकर आई। रखो। और मुन्ना के पापा और भाई साहब पूजा का बाकी सामान और फल लाने के लिए गए, वो लोग भी बस आते ही होंगे। लेकिन पंडित जी पता नहीं कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। राम राम बहन जी। राम राम। राम राम। आयुष्मान, आपने बहुत समय लगा दिया आने में। हमें आने में देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो सामान मंगवाया था वो लाए है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल लाया हूँ। माँ, आपने ये सिंदूरदानी क्यों मंगवाई है? ये ऐसी वैसी सिंदूरदानी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें श्री राम जी के चरणों का और सीता मैया की मांग के सिंदूर का मिश्रण है। इसमें ये अयोध्या से मंगवाया है। कविता जी। मम्मी जी। बेटा, इसे ना मंदिर में संभाल कर रख दो, आज सारे पति अपनी पत्नियों को यही सिंदूर लगाएंगे, इससे जोड़ी लंबी बनी रहती है, हमेशा आशीर्वाद मिलता है भगवान का। जी मम्मी जी। बहन जी, इस सिंदूर की एक और भी मान्यता है, इसका आशीर्वाद जिस भी जोड़े पर पड़ जाए वो सदैव के लिए दूसरे का हो जाता है। ऐसा है तो ये सिंदूर का आशीर्वाद मुझे और दिव्यम को मिलना चाहिए, लेकिन पूजा घर में इसका आशीर्वाद पक्का राधिका लेगी। मुझे कैसे भी करके राधिका को वो तिलक लगने से रोकना होगा। पंडित जी आइए, आप हाथ पैर धो लीजिए और पूजा शुरू करते हैं, आइए। अच्छा हुआ तुम दोनों ने
इसे बचा लिया वरना मम्मी जी आज मुझे नहीं छोड़ती। जीते रहो बच्चों, ये लीजिए ताई जी। वैसे कैच पकड़ने में काफी माहिर हो गई हो राधिका। मुंह फुलाए रहना ना तुम, ठीक है? मैं भी मनाने की कोई कोशिश नहीं करने वाला। लगता है इन दोनों के बीच बातचीत बंद है, मुझे इसी बात का फायदा उठाना होगा। मुन्ना तू कहाँ जा रहा है बेटा, आज तो ऑफिस भी बंद होगा। नहीं माँ, एक्चुअली एक क्लाइंट है बाहर से आ रहे हैं, तो उनके साथ मीटिंग करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी कुछ लोग तो पहले से ही नाराज हैं, क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता मैं। अच्छा ठीक है, जा जाकर के अपना काम कर, वैसे भी तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हाँ आरती के वक्त जरूर वापस आ जाना। आ जाऊंगा पक्का। बाय मैम। बाय। अच्छा है दिव्यम जा रहा है, अब राधिका को खास तिलक नहीं लगेगा, बाद में मौका देखकर वो तिलक मैं खुद को लगा लूंगी। लेकिन अगर पूजा खत्म होने से पहले दिव्यम वापस आ गया तो? अब हम भगवान श्री राम और माँ जानकी के पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। आप सब भी अपना स्थान ग्रहण करें, बैठिए। अरे दिव्यम कहाँ है? माँ दिव्यम ऑफिस के काम से गया है। अरे ये क्या बात हुई, घर में इतनी बड़ी पूजा है और वो ऑफिस चला गया? माँ काम जरूरी था इसलिए उसे जाना पड़ा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए, बैठो। जी मिश्रा जी, नहीं उस बात की तो टेंशन मत लीजिए, कंसाइनमेंट डिलीवर हो जाएगा जी। तुम्हारी मीटिंग भी उस जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तुम जाके भी इस पूजा में नहीं आ सकते। एक समय की बात है, माँ सीता प्रभु श्री राम से बहुत नाराज थी, प्रभु श्री राम ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर सीता मैया नहीं मानी। राधिका सॉरी, वो मुझे सॉरी। डोडो दीदी को सॉरी बोलो। जी हमें कब से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए, उनसे फ़ोन कर लेते हैं। राधिका बेटा दिव्यम को फ़ोन मत करो, वो गाड़ी चला रहा होगा ना, हमारा फ़ोन देखेगा तो परेशान हो जाएगा। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके यार, बैटरी को भी अभी खत्म होना था, गाड़ी में चार्जर होगा चार्ज कर देते। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पेट्रोल कैसे खत्म हो गया, अभी कल ही तो भरवाया था मैंने, कहीं कुछ लीक वीक तो नहीं हो रहा? अरे यार शहर से एक तो इतना बाहर हूँ, यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा, घर कैसे पहुँचूंगा मैं? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। तब प्रभु श्री राम ने माँ सीता के मांग में सिंदूर भरकर उन्हें वचन दिया कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा और जीवन पर्यंत सीता ही हमारी अर्धांगिनी बन के रहेगी। अब हम
आरती आरंभ करेंगे, उसके बाद सिंदूर दान की रस्म होगी। सिंदूर रस्म? ये अयोध्या का खास सिंदूर है। आज सब पति अपनी पत्नियों को यही सिंदूर लगाएंगे ताकि उनका साथ लंबे समय तक बना रहे। इसीलिए दिव्यम को आज ऑफिस नहीं भेजना चाहिए था। माँ परेशान मत होइए, दिव्यम ने कहा था कि वो समय से आ जाएगा। यार बैटरी नहीं है फोन में, वरना मैं कैब बुला लेता। यार एक ऑटो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक तो शहर से इतनी बाहर थी ये मीटिंग, कैसे पहुंचूंगा मैं घर पे? भैया यहाँ पे ऑटो कहाँ से मिल सकता है? भाई आज तो यहाँ पे ऑटो की हड़ताल है। हा? अब आरती के बाद सिर्फ 10 मिनट का मुहूर्त बचा है सिंदूर लगाने के लिए। तब तक यदि वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इस रस्म का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। भगवान करे दिव्यम समय के बाद ही आए, वरना कहीं ये गोलमुखी हमेशा के लिए हमारे मुन्ना के पल्ले बन गई तो? नहीं नहीं नहीं, और दिव्यम का बस कुछ दिनों का साथ है, जन्म भर का साथ तो दिव्यम और मीरा है। आरती के टाइम तक घर पहुंचना था, पर अब कैसे पहुंचूं? आरती तो शुरू हो गई होगी। हे भगवान, हम दिव्यम जी से नाराज क्यों हुए? वो नहीं आएंगे तो इतनी शुभ रस्म छूट जाएगी। हम फोन करते हैं उन्हें। उनका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं वो समय से आ भी पाएंगे या नहीं। यार रास्ता तो बंद है, घर कैसे पहुंचूंगा मैं? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब आप एक एक करके अपनी पत्नी की मांग इस पवित्र सिंदूर से भरिए, मुहूर्त समाप्त होने में सिर्फ 10 मिनट बचे। राधिका बेटा, दिव्यम कहाँ रह गया? हमने उन्हें फोन भी लगाया पर उनका फोन बंद आ रहा है। शुभ मुहूर्त अब कब आएगा? तुम लोग शुरू करो, ये शुभ मुहूर्त नहीं जाना चाहिए, दिव्यम आ जाएगा। शुरू करो। अब अगर दिव्यम इस रस्म में शामिल नहीं भी हो पाया है तो क्या किया जा सकता है? सब कुछ तो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होता है, हो सकता है भगवान की यही इच्छा। भगवान जी आप प्लीज दिव्यम जी को जल्दी भेज दीजिए।
रुक जाओ। जिस औरत ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की हो उसको मैं अपने बेटे के हाथ से सिंदूर लगवाने नहीं दूंगी। तुम ये रस्म नहीं करोगी कली। जाओ यहाँ से। कविता ठीक कह रही है। भगवान जी, पता नहीं मैं रामनवमी की पूजा के लिए घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। प्लीज कुछ कीजिए। जी, हम तो केवल मामूली से राम भक्त हैं। रामलीला में नाटक करने जा रहे थे किंतु आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। एक्चुअली मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है और पता नहीं टैंक कैसे लीक हो गया। मुझे रामनवमी की पूजा के लिए घर पहुंचना था लेकिन अब पता नहीं कैसे ही पहुंच पाऊंगा। आप उस रास्ते से चले जाइए, वहां आपको अवश्य ही कोई ना कोई गाड़ी जरूर मिलेगी और आप घर जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, एक्चुअली मुझे कानपुर जाना है, वो रास्ता तो लखनऊ के लिए जाता है। कभी कभी गलत रास्ते भी सही जगह पहुंचा देते हैं। जय श्री राम। सॉरी आदु, इतनी प्यारी रस्म तुम और दिव्यम नहीं मना पाए। अब मुहूर्त समाप्त होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। हे सीता माता, अपना आशीर्वाद दीजिए कि आपकी तरह हमारा और दिव्यम जी का साथ बना रहे। प्लीज हमारे दिव्यम जी को भेज दीजिए। आवाज कैसी थी? दिव्यम जी भी पता नहीं कहाँ रह गए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हम ही बेवकूफ़ हैं गधे एक नंबर के जो आज पूजा के दिन उनसे नाराज हो गए। अब हमारी बेवकूफ़ी की वजह से इतनी प्यारी रस्म अधूरी रह जाएगी। दिव्यम जी कहाँ हैं आप? प्लीज़ आ जाइए। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं, प्रभु श्री राम। प्रभु, आप आज नवमी के अवसर पर आप साक्षात हमसे बात कर रहे हैं? हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा पति पूजा में आए? जी जी प्रभु। तो फिर तुम्हें उसे उसकी गलतियों के लिए माफ करना होगा। तुम्हारा पति बेहद नेक दिल, दयावान, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग। ये भगवान इंग्लिश बोल रहा है? मेरा मतलब सर्वगुण संपन्न है। तुम उसे माफ करोगी तो ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और अगर हमने उन्हें माफ नहीं किया तो मैं यानी प्रभु श्री राम तुम पर क्रोधित हो जाएंगे, तुमसे रुष्ट होकर तुम। फिल्म जी, आप भी हद करते हैं। भगवान को लेकर मजाक, सब आपको शोभा नहीं देता है। सॉरी, कल के लिए और आज के लिए प्लीज। हम एक मिनट।
ठीक है। 7-स्टार रेस्टोरेंट के लंच का रिजर्वेशन तुम्हारे, मेरे और काया के लिए। मैं तुम्हें और काया दोनों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, मान लिया हमने आपका सॉरी। अच्छा आप पहले ना हमारे साथ जल्दी से अंदर चलिए, बहुत जरूरी काम। अरे लेकिन क्या हुआ? आई तो आई। क्या राधिका कहाँ ले जा रहे हो तुम? बहन जी मुहूर्त समाप्त होने में सिर्फ 30 सेकंड शेष रह गए। पंडित जी आ गए हमारे पति। उसकी कार तो खराब की थी मैंने, फिर ये टाइम से कैसे आ गया? जल्दी आओ मुन्ना, पंडित जी रसम पूरी करिए। सिंधूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम